क्वेश्चन नंबर वन लेते हैं। कह रहा है डिड डोवर्नियस ट्राइड ऑल्सो एग्जिस्ट इन द कॉलम ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव्स, कंपेयर एंड फाइंड आउट। अब बच्चों ध्यान से चेक करो, ये न्यूलैंड ऑक्टेव हमने बनाया हुआ है। अब बच्चे यहाँ क्वेश्चन पूछते हैं, सर क्या एग्जाम में हमें बनाना है अगर यही क्वेश्चन आ जाए? नहीं नहीं, आपको नहीं बनाना है, आपको सिंपल आंसर देना है। तो देखो बच्चों, ये न्यूलैंड्स ऑक्टेव है। न्यूलैंड ने क्या बोला था? न्यूलैंड ने ये बोला था कि जो एट्थ एलिमेंट होगा वो फर्स्ट वाले के सिमिलर होगा, ठीक है ना। एट्थ एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो फर्स्ट वाले के सिमिलर होंगी। जैसे कि बच्चों ध्यान से चेक करिए, जैसे हमने लिथियम लिया, ठीक है ना, तो लिथियम की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सोडियम से मैच करेंगी। कैसे? आपको जैसे आप सारे गामा पादा नी सा आपने सुना होगा ना, वही काम करना है। ध्यान से चेक करो, देखो लिथियम की केमिकल प्रॉपर्टी किससे मैच करेंगी? तो एट्थ एलिमेंट से मैच करेंगी। देखो मैं आपको उसको दो तरीके से करके दिखाता हूँ। देखो ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, तो ये सेवन्थ हो गया और ये एट्थ हो गया, ठीक। तो लिथियम किससे सिमिलर प्रॉपर्टी, लिथियम की केमिकल प्रॉपर्टी किसके सिमिलर है? सोडियम के, ठीक है ना। आप यहाँ पे देखिए, आपके सारे गामा पादा नीसा, ये टोटल मेरे को ज़्यादा संगीत का ज्ञान नहीं, टोटल आठ ये स्वर होते हैं आपके, ठीक है ना, आठ स्वर होते हैं जो भी। देखो सा रे गा मा पा दा नी और देखो सा, ठीक है, सा से स्टार्ट किया था और आठवां आ गया आपका सा, तो यहाँ पड़ा। आप कहीं पे भी चेक कर सकते हो उसको, ध्यान से चेक करो। जैसे कि मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पर हाइड्रोजन, या मान लीजिए फ्लोरीन ले लिया, ठीक है ना, तो फ्लोरीन से स्टार्ट करेंगे तो फ्लोरीन हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, लेफ्ट से राइट जाना है और ऐसे घूम के यहाँ जाना। जो एट्थ एलिमेंट मिलेगा वहाँ पे आपको चेक करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ और ये रहा एट्थ, यानी कि फ्लोरीन की केमिकल प्रॉपर्टी किसके सिमिलर होगी? क्लोरीन के। आप इसको सारे गामा पादा नी से भी कर सकते हो, सा रे गामा पादा नी और यहाँ पे देखिए सा। कोई डाउट है बताइए। अब यहाँ पे मैं आपको एक खास चीज दिखाना चाहता हूँ, ये न्यूलैंड्स ऑक्टेव है, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन में पूछा है कि क्या डोवर्नियर का ट्राइड जो आपको मिलता था, अब याद करिए क्लास में हमने डोवर्नियर ट्राइड्स में तीन ग्रुप्स पढ़ रखे हैं, कौन कौन से? एक तो लिथियम सोडियम पोटेशियम वाला एल्कली मेटल वाला, और नेक्स्ट था एल्कलाइन अर्थ मेटल वाला कैल्शियम स्ट्रॉन्टियम बेरियम, और नेक्स्ट था आपका हेलोजन फैमिली वाला क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ये तीन ग्रुप हमने आपको पढ़ाया हुआ है डोवर्नियर ट्राइड में, ठीक है ना। अब ध्यान से करो बच्चों, डोवर्नियर ट्राइड का जो ये वाला ग्रुप है, कौन सा वाला? एल्कली मेटल्स वाला, लिथियम सोडियम पोटेशियम वाला, वो आपको न्यूलैंड ऑक्टेव में कहीं दिखता है किसी कॉलम में? चेक करो, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। ये देखिए आपको दिख गया कि नहीं दिख गया बताइए, दिख गया कि नहीं दिख गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम अपने आंसर में क्या बताएंगे, यहाँ हम अपने आंसर में ये बताएंगे कि ओनली वन ट्राइड ऑफ डोवर्नियर ट्राइड्स। ध्यान से चेक करो, डोवर्नियर ट्राइड में तीन ट्राइड थे, वन टू थ्री, इसमें से केवल एक ही ट्राइड लिथियम सोडियम पोटेशियम वाला, लिथियम सोडियम पोटेशियम, एल आई मतलब लिथियम, एन ए मतलब सोडियम, के मतलब पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम वाला ही दिखता है, और कोई आपको नहीं दिखेगा। ध्यान से चेक करिए, कैल्शियम स्ट्रॉन्टियम बेरियम दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। कैल्शियम स्ट्रॉन्टियम बेरियम कहाँ गया? नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन दिख रहा है क्या? क्लोरीन और ये कोबाल्ट निकल आ गया यहाँ बीच में कहीं ना कहीं, फिर ब्रोमीन आया, तो नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो केवल एक ही डोवर्नियर ट्राइड आपको दिखता है न्यूलैंड ऑक्टेव में। न्यूलैंड ऑक्टेव में जो न्यूलैंड ऑक्टेव था उसमें आपको सेकंड कॉलम में आपको डोवर्नियर ट्राइड दिखता है, कौन सा? एल्कली मेटल वाला, ठीक है ना। ओके, तो ये चीज़ आपको एग्जाम में लिखनी है। तो आपको एग्जाम में सिर्फ इतना आंसर करना है कि ओनली वन ट्राइड ऑफ डोवर्नियर ट्राइड एग्जिस्ट इन द कॉलम ऑफ न्यूलैंड ऑक्टिव। कोई डाउट है कौन सा वाला? लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम वाला, ये बात लिखनी। अब उसने क्वेश्चन में आपको बोला था कंपेयर एंड फाइंड आउट। देखो बच्चों, ये चीज़ उसने क्यों बोली कंपेयर एंड फाइंड आउट? देखो ये चीज़ उसने इसलिए बोली क्योंकि डोवर्नियर ने जब अपने ट्राइड बनाए थे, ट्राइड्स जो भी ट्राइड्स बनाए थे, ठीक है, तो ध्यान से चेक करो, ये वाला जो कॉलम है या फिर ग्रुप आप इसको बोल सकते हो, ये वाले ग्रुप की केमिकल प्रॉपर्टीज वो कहता था सिमिलर है, सही है ना। ये वाले ग्रुप की केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है, ये वाले ग्रुप की केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है, ठीक है ना। जैसे कि आइए हम आपको एग्जांपल देते हैं बच्चों, जैसे कि लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है, ठीक है ना। तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं सिमिलर होंगी। जैसे कि आपको क्या देखने को मिलेगा, मान लो लिथियम का अगर हम हाइड्रोक्साइड बनाए, ठीक है, तो लिथियम हाइड्रोक्साइड कुछ इस तरीके का होगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम का हाइड्रोक्साइड क्या होगा? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड क्या होगा? KOH। हालांकि ये लिथियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा सा अनस्टेबल होता है, बट फिर भी थोड़ी देर के लिए तो बनता ही है, ठीक है। तो ध्यान से चेक करो, अच्छा ये सब कब बनेंगे? जब लिथियम सोडियम और पोटेशियम की रिएक्शन हम वाटर से कराएंगे। सुन लीजिए, लिथियम सोडियम पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्शन करके आपको क्या देंगे? एल्कली देंगे, यानी कि बेस देंगे। क्या क्या बेस में क्या होता है? OH होता है ना। तो लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये आपको मिला। तो ये डोवर्नियर ट्राइड में हम क्या देख रहे हैं? लिथियम सोडियम पोटेशियम की जो केमिकल प्रॉपर्टी है, वैसे तो बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टी होती है, मैंने आपको एक लेके यहाँ पे समझाया, मैंने तीनों की रिएक्शन वाटर के साथ करा दी और मैंने बताया कि तीनों सिमिलर प्रोडक्ट दे रहे हैं। अगर लिथियम का हाइड्रोक्साइड मिलता है तो वहीं पे सोडियम का भी हाइड्रोक्साइड मिलता है, वहीं पे पोटेशियम का भी हाइड्रोक्साइड मिलता है, ठीक है ना। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, डोवर्नियर ने बोला था कि जो हम कॉलम दे रहे हैं उन कॉलम में जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी थ्री एलिमेंट्स दिखाई पड़ेंगे आपको, ठीक है ना, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी? सिमिलर होंगी। तो है, अब सुनो, न्यूलैंड ऑक्टेव ने क्या बोला था बताओ? न्यूलैंड ऑक्टेव्स में क्या बोला था उसने? उसने बोला था आप कोई भी एलिमेंट उठा लें तो
जो भी एलिमेंट आप उठाओगे वो एट्थ वाले के साथ केमिकल प्रॉपर्टी में सिमिलर तरीके से बिहेव करेगा। यानी कि ध्यान से चेक करिए बच्चों, अगर हम लिथियम ले लेते हैं तो लिथियम को एट्थ एलिमेंट के साथ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी शो करनी चाहिए। यानी कि जैसी लिथियम की केमिकल प्रॉपर्टी होगी, सिमिलरली जो एट्थ एलिमेंट होगा उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, तो आइए जरा चेक करते हैं। लिथियम से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो एट्थ एलिमेंट कौन सा पड़ेगा, देखो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये रहा सेवंथ, ये रहा एट्थ। तो लिथियम की केमिकल प्रॉपर्टी किससे मैच करनी चाहिए, सोडियम से, करती भी है। लिथियम हाइड्रोक्साइड बनता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसी तरीके से अगर हम सोडियम को लेकर चलें तो सोडियम फर्स्ट एलिमेंट हो गया, तो जो भी एट्थ एलिमेंट होगा उसकी केमिकल प्रॉपर्टी मैच करनी चाहिए किसके साथ, सोडियम के साथ। चेक करो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ। देखो सोडियम की पोटेशियम के साथ केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल मैच करती है। तो ये वाला ग्रुप डोबरनियर ट्रायड वाला जो एल्कली मेटल वाला ग्रुप था वो आपको न्यूलैंड ऑक्टेव में सेकंड कॉलम में मिलता है। ठीक है ना, और क्लेरिफिकेशन के लिए आपको दोनों बातें लिखनी है, क्या कि हम चाहे डोबरनियर ट्रायड में देखें तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है, और चाहे हम न्यूलैंड ऑक्टेव में देखें तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, सिमिलर है। और ये चीज़ भी आपको लिखनी है एग्जाम में, ध्यान से सुन लीजिए, क्या कि न्यूलैंड ऑक्टेव में जब हम लिथियम को लेते हैं तो उसका एट्थ एलिमेंट कौन है, सोडियम। ठीक है, तो लिथियम सोडियम के साथ न्यूलैंड ऑक्टेव में आपको क्या लिखना है, आपको ये भी लिखना है एग्जाम में कि लिथियम की जैसी कि केमिकल प्रॉपर्टी है सिमिलरली किसकी है, सोडियम की, ये बात भी लिखना है। और आपको लिखना है लिथियम का जो लिथियम से मैच करने वाला केमिकल प्रॉपर्टी मैच करने वाला जो एट्थ एलिमेंट है वो कौन है, सोडियम है। और सोडियम से केमिकल प्रॉपर्टी में मैच करने वाला जो एलिमेंट है वो कौन है, एट्थ एलिमेंट कौन है, सोडियम से, पोटेशियम। ठीक है, तो ये सब बातें आप लोगों को लिखनी है। ओके, कोई बुक होगी आपके पास तो उससे आप पढ़ भी सकते हो, बाकी मैंने मोटा मोटा आपको सब कुछ बता दिया। ओके, तो नोट कर लीजिए।